हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिरर का कंसेप्ट पूरा खत्म कर लिया था और आज हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना था, जिसमें बच्चों हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में ये जाना कि कौन रेरर होता है, विरल होता है, और कौन डेंसर होता है, कौन यानी सघन होता है। तो ये हमने थोड़ा सा समझा था। आज हम जरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही एक अच्छे टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब। ठीक है, यहां लिख रहा हूं बच्चों, कांच के गुट्टक में, कांच के गुट्टक में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं इसको। बहुत प्यारा टॉपिक है, एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज्यादा बार कई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, एक नंबर में भी और 5 नंबर में भी। ये मान लीजिए बच्चों ग्लास स्लैब है। ये क्या है बच्चों आपके पास? ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब मतलब ये जो हिस्सा है कांच का बना हुआ है, बाकी बाहर एयर है। बाहर क्या है? एयर, हवा। बाहर क्या है? एयर, हवा। और बच्चों ये कौन है? ग्लास स्लैब। और ग्लास जो होता है बच्चों वो कैसा होता है? कांच का गुट्टक। हाँ जी, कैसा होता है? सॉलिड होता है। मींस भाई ये क्या है आपके लिए? ये हवा हो गई, ग्लास स्लैब हो गया, ये हवा। अच्छा बच्चों, हवा में और ग्लास स्लैब में कौन ज्यादा सॉलिड है? तो भाई ग्लास स्लैब ज्यादा सॉलिड है। तो भाई चलना किस में मुश्किल होगा? जहां ज्यादा भीड़ भाड़ है, यानी जिसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास पास हैं, जिनके पार्टिकल ज्यादा पास पास हैं। और इनका क्या है भाई? इनके पार्टिकल ज्यादा पास पास नहीं है। इनके पार्टिकल जब ज्यादा पास पास नहीं है तो इसमें चलना आसान है। तो इसका मतलब जिसमें चलना मुश्किल हुआ, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, वो डेंसर होते हैं, सघन होते हैं। इन दोनों के कंपेरिजन में ये डेंसर है, जबकि ये रेयरर है, विरल है। ये हवा भी क्या है? रेयरर है, विरल है। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों हुआ क्या। अब क्या है, मिरर में जब हम पढ़ते थे तो लाइट टकरा के दूसरी तरफ मुड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके एक तरफ पेंट किया हुआ था तो वो रिफ्लेक्टर की तरह काम करती थी, परावर्तक की तरह काम करती थी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब रे इस पे आएगी, ये टकराई किस पे? ग्लास स्लैब पे। आपको पता ही है, आने वाली रे को हमेशा कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और जहां पर भी टकराएगी नॉर्मल क्रिएट कर देगी। ये बात हम लोग इस चैप्टर के शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्मल अभिलंब। ठीक है। अच्छा अब इसकी क्या खास बात, नॉर्मल के साथ एंगल कैसा बनाएगी? एंगल आई। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन है? रेरर। ये कौन है? डेंसर। लाइट की एक खास बात बताता हूं मैं आपको, ये सारी बातें मैं लिखवाऊंगा आपको बकायदा। लाइट की एक खास बात बताता हूं मैं आपको कि लाइट जब भी किसी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, ध्यान देना यहां सुनना, जब भी लाइट, लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं, कि जब भी लाइट डेंसर से, सघन से रेरर की तरफ आएगी, विरल की तरफ आएगी, ठीक है चलो, या रेरर से विरल से डेंसर की तरफ आएगी, तो क्या होगा? पहले ये लॉजिक समझो। अगर लाइट रेरर से डेंसर की तरफ आ रही है तो लाइट क्या होएगी? बेंट टूवर्ड्स नॉर्मल, अभिलंब की तरफ झुकेगी, अभिलंब की तरफ
झुकेगी, ठीक। और अगर डेंसर से रेयरर जाएगी, अगर कोई लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटेगी, ठीक है, अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। समझ रहे हो बच्चों, इस बात को समझना। तो देखो ये जो लाइट है किसमें है इस टाइम पे, रेयरर में है। अब कहां एंट्री करने जा रही है, डेंसर में। तो ध्यान देखना, रेयरर से डेंसर में लाइट कहां जा रही है, रेयरर से डेंसर में, विरल से सघन में। तो क्या होगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब अभी नॉर्मल से दूर हट रही है, अब ये नॉर्मल की तरफ ऐसे झुक जाएगी, ऐसे है, ऐसे हो जाएगी। देखो झुक गई, असल में इसको कैसे चला जाना चाहिए था, असल में इसको ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये इस तरफ क्या हो गई, झुक गई। क्यों, क्योंकि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ आती है, मतलब कम पार्टिकल वाले में से ज्यादा पार्टिकल में आती है, तो उसकी स्पीड स्लो होती है, प्लस वो लाइट क्या हो जाती है, थोड़ी सी झुक जाती है। तो लाइट थोड़ी सी क्या हो गई बच्चों, झुक गई, ठीक है, किस पे आके, डेंसर पे आके। और जहां पे भी झुकेगी वहां पर क्या कर देगी, एक नॉर्मल क्रिएट कर देगी। क्या क्रिएट कर देगी, नॉर्मल क्रिएट कर देगी। इस तरफ लिखता हूं नॉर्मल, और नॉर्मल क्या होता है, अभिलंब होता है, ठीक है। और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल आर, ठीक है। और जो ये मुड़ा, इस मुड़ने के प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। बच्चों इस मुड़ने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जब लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए और मुड़ जाए, हल्की सी बेंट हो जाए, झुक जाए, तो उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और नॉर्मल के साथ बनने वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और हिंदी में क्या कहेंगे, अपवर्तित कोण। अपवर्तित कोण, ठीक है जी, क्या कहेंगे, अपवर्तित कोण कहेंगे, ठीक है। अब देखो लाइट यहां पे क्या हुआ, रेयरर से डेंसर में आया, इसलिए लाइट क्या हो गई, बेंट। लेकिन अब बच्चों लाइट डेंसर से वापस किस में जाएगी, रेयरर में। तो मैंने क्या बताया था कि बच्चों जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से क्या होगी, ये रहा नॉर्मल, इससे दूर हटेगी, इससे क्या हटेगी बच्चों, दूर हटेगी, इससे ये दूर हट गई, ठीक है। और इसे कहेंगे, और जब ये दूर हटेगी तो इस रे को कहा जाता है इमर्जेंट रे। कौन सी रे, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। कौन सी किरण कहते हैं बच्चों, निर्गत किरण, कौन सी किरण, निर्गत किरण। और बच्चों जिस तरह इस रे ने नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाया, रिफ्रैक्शन ने नॉर्मल के साथ एंगल आर बनाया, उसी तरह ये वाली इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ई बनाएगी। क्या बनाएगी, एंगल ई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, हिंदी में निर्गत कोण, निर्गत कोण। समझ में आ रही है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए ये एक रे डायग्राम, रिफ्रैक्शन का रे डायग्राम हाजिर है, ठीक है बच्चों। इसको बिल्कुल इससे मिलाना मत, ये अलग चीज है, ये सिर्फ इसका रूल है, बाकी जो है ये है। क्या बताया कि अगर कोई रे आके ग्लास स्लैब से टकराती है तो जहां भी टकराएगी नॉर्मल क्रिएट कर देगी, और आने वाली रे को इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, और नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाता है जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है। और बच्चों जैसे ही कोई लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है, रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो देख रहे हो अभिलंब की तरफ झुक गई, नहीं तो उसको जाना कैसे था, सीधा, लेकिन झुक गई। क्यों, क्योंकि रेयरर से डेंसर की तरफ आई है, रेयरर से
डेंसर की तरफ आई है, इसलिए बेंट हो गई और बेंट होके आगे चलेगी, तो इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। और नॉर्मल के साथ ये भी एक एंगल क्रिएट करेगी जिसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तित कोण, ठीक है। अब बच्चों यही लाइट बाहर भी तो निकलेगी, क्योंकि भाई इसके इसके पास पेंट तो है नहीं, कहीं पेंट तो किया हुआ है नहीं, पूरा आर पार दिख रहा है, तो यही लाइट अब बाहर निकलेगी। जब यही लाइट बच्चों बाहर निकलेगी तो कहां से कहां जाएगी? डेंसर से रेरर में। और बच्चों डेंसर से रेरर में जब लाइट जाती है तो क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हटेगी। मतलब जहां पर भी पॉइंट है वहां नॉर्मल क्रिएट करो और नॉर्मल से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। और इस वाली रे को कहा जाता है इमरजेंट रे, निर्गत किरण। क्या कहा जाता है? निर्गत किरण। और बच्चों ये जो एंगल ई होता है, यानी इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है एंगल ई, जिसे कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, निर्गत कोण। क्या किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी समस्या है? ठीक है, नहीं है तो जल्दी से उतारेंगे फटाफट सभी बच्चे। नोट कीजिए इसे। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कैसे इन्होंने ये सारा काम किया, ठीक है। अच्छा, अब इसी में कुछ नई बात बताऊंगा, पहले ये नोट कर लो। नोट तो कर लिया होगा आपने, है ना? आज का टॉपिक प्यारा, हाँ जी। अब देखो, जैसा कि आपने देखा कि भाई ये एक रे आई, जहां पर भी ये नॉर्मल बनाएगी बेंट हो जाएगी, और वहां पर भी नॉर्मल बनाएगी और बेंट हो जाएगी। ये एंगल आई बनेगा, ये एंगल आर बनेगा, ये एंगल ई बनेगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और क्या है भाई? इमर्जेंट रे, तीनों का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों एक बात याद रखना, मैंने क्या बताया था कि अगर ये रे मुड़ती नहीं तो कहां जाती? सीधी जाती, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब बच्चों यही सारी चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अगर ये रे सीधी चली जाती, ठीक है, तो इमर्जेंट रे और इस वाली इंसिडेंट रे जो होती है, याद रखना, ये इंसिडेंट रे, पॉइंट फर्स्ट, इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। बच्चों याद रखना कि जो इंसिडेंट रे होती है ना, इंसिडेंट रे हमेशा इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है, हमेशा इमर्जेंट रे के क्या होती है? पैरेलल। आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है, ठीक है जी, कोई दिक्कत? आपतित किरण जो होती है वह हमेशा निर्गत किरण के समांतर होती है, और इनके बीच के डिस्टेंस को डी से डिनोट किया जाता है, जिसे कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल
लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको पार्श्व विस्थापन, पार्श्वीय विस्थापन, पार्श्वीय विस्थापन, ठीक है। और बच्चों जो डी होता है ना, डी डी मतलब पार्श्वीय विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। कितनी बातों पे डिपेंड करता है? दो बातों पे। पहली बात क्या? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है जी, कांच के गुट्टक की मोटाई पर, की मोटाई पर, और दूसरा किस पर डिपेंड करता है? एक तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पर, कांच की गुट्टक की मोटाई पर, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक है जी, आपतित कोण पर, आपतन कोण, आपतन कोण पर। तो हां जी, अब देखेंगे जरा, हमेशा याद रखना है इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के ऑलवेज क्या होती है? पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल होती है। और इनके बीच के डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे डिस्टेंस इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्वीय विस्थापन कहते हैं, पार्श्वीय विस्थापन कहते हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस बात पर डिपेंड करता है, किस बात पर निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है, ठीक है, तो निर्भर करने के लिए क्या होता है बच्चों? देखो, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, मतलब ये जो ग्लास स्लैब है ना बच्चों, ये 3D स्ट्रक्चर में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मतलब इसकी कोई ना कोई थिकनेस होती है। तो जितनी ज्यादा इसकी थिकनेस होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। और बच्चों अगला है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रे यहां से आ रही, अगर मान लो ये रे यहां से आ रही होती तो ये ऐसे सीधी जाती और बड़ा हो जाता डी, मतलब जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही ज्यादा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? चलो फटाफट इसे भी नोट कर लो जल्दी से। देखो बच्चों, ये नोट कर लिया होगा सभी ने, यहां तक तो हो गया होगा सभी बच्चों का। तो मेरे सभी बच्चों को ये समझ में आ चुका है कि आखिरकार क्या है रिफ्रैक्शन और क्या है ये सारी चीजें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग,
ठीक है। एक मिनट अब देखने दो जरा मेरे को कि कुछ लिखवाना है तो लिखवा भी देते हैं। चलिए बच्चों अब एक एक करके पॉइंट्स लिखिए। चलो पॉइंट्स लिखने का समय आ गया है, कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं, पॉइंट लिखो। लिखो बच्चों पहला पॉइंट, द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऑल लाई इन द सेम प्लेन आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे व्हेन लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे goes from rarer to denser medium, goes from rarer to denser medium it bends towards the normal, it bends towards the normal। बस इसे मैं लिखवा क्यों रहा हूं, ये तो मैंने आपको लिखवा ही दिए, छोड़ दो। हिंदी वाले लिखो जरा, ये सब तो मैंने लिखवा ही दिया ना आपको कि भाई जब लाइट, चलो लिख लो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और सेकंड पॉइंट लिख लो, लिख लो लिख लो लिख लो बच्चों लिखो। सेकंड पॉइंट लिखो व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम रेरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है आगे लिखो, आगे लिखो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू ईच अदर, इज पैरेलल टू ईच अदर इज पैरेलल टू ईच अदर
एंड देयर एंगल इज ऑल्सो इक्वल एंड देयर एंगल एंड देयर एंगल इज ऑल्सो इक्वल ठीक है बच्चों और कुछ रह गया लिखवाना ठीक है बच्चों यहां तक हो गया सारी चीजें लिखवा दी ठीक है अब देखो हाँ मैंने एक बात और बताई ना आपको अभी क्या बताया बच्चों अगर कोई रे आती है इंसिडेंट रे टकरा के ये बना देगी ऐसे नॉर्मल है ना और ये ऐसे नीचे ये एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आर और फिर ये ऐसे एंगल ई और मैंने बताया था कि ये ऐसे सीधी चली जाएगी है ना। अच्छा एक बात याद रखना मैंने अभी अभी आपको बताया कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होती हैं। अरे भाई जब पैरेलल होती हैं तो इनका आपस में एंगल भी क्या होगा सेम होगा यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस ये भी याद रखना एंगल ऑफ इमर्जेंस के इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब आपतित कोण आपतन कोण बराबर होता है आपतन कोण बराबर होता है निर्गत कोण के ध्यान रखना बच्चों क्यों होता है क्योंकि जब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इनके एंगल भी आपस में क्या होंगे बच्चों बराबर ही होंगे ठीक है। हिंदी वाले को लिखवा देता हूं लिख लो फटाफट हिंदी वालों लिखो एक मिनट बच्चों थोड़ा सा वेट करना हाँ जी बच्चों लिखेंगे जरा लिखिए आपतित किरण प्रावर्तित किरण सॉरी आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही समतल पर दिखाई एक ही समतल पर आते हैं सभी एक ही समतल पर आते हैं कौन कौन आपतित अभिलंब और अपवर्तित। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप ये भूल गए मैं भूला नहीं हूं भाई सेम प्लेन पे यही तीन एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या ये टच कर रहा है नहीं ये अलग हो गया ठीक है तो इसलिए इसका नाम नहीं आएगा। अगला लिखेंगे आगे अगला लिखेंगे आगे अगली लाइन में लिखिए जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है और जब प्रकाश और जब प्रकाश
सघन से विरल माध्यम में आती है, सघन से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो अभिलंब से दूर हटती है। आगे लिखेंगे, अगली लाइन में लिखो, आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। जिनके आपस में कोण भी समान होते हैं, जिनके आपस में कोण भी समान होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, एक हमारे भाई साहब थे स्नेल्स, स्नेल्स लॉ, ये नियम दिया था, स्नेल का नियम। ठीक है, क्या नियम दिया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाए, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाए, लेकिन ठीक है, लेकिन किसमें, अगर हिंदी में बात करूं, हिंदी में बात करूं, हां जी, आपतन कोण अपॉन में अपवर्तित कोण, ये दोनों आ जाए किसके टर्म में, साइन के टर्म में, तो एक नई वैल्यू निकाल के देते हैं। ध्यान देना, एन, एन एक वैल्यू है जो क्या आएगी, साइन के टर्म में आई वैल्यू, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, और साइन के ही टर्म में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये चीज आ जाए तो मुझे बच्चों एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, स्थिर वैल्यू, स्थिरांक मिलता है, एक स्थिरांक मिलता है जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से। और प्यारे बच्चों इस एन का नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम होता है इसका, आपको मैं बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। तो ये जल्दी से उतार लो कि बच्चों स्नेल्स ने ये नियम दिया कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को, आपतन कोण को, साइन के टर्म में अपॉन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तित कोण, साइन के टर्म में रखा जाए तो वो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, स्थिरांक वैल्यू देता है, जिस स्थिरांक को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अब ये अपवर्तनांक क्या चीज होता है, तो आइए इसे हम लोग सीखते हैं, जल्दी से नोट कीजिए इसे, फिर मैं आपको इसे करवाता हूं आगे। हाँ जी, आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों ये उतार लिया सभी ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब आपका टॉपिक शुरू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आज सिर्फ समझा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा भी, हो सकता है कि आज ही लिखवा भी दूं। ठीक है, सारी बातें तो वैसे मैंने बता ही दी हैं, बस लिखवाना रह गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक,
क्या होता है जी अपवर्तनांक, क्या मैटर करता है अपवर्तनांक का होना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होना क्या मैटर करता है, क्या ये कोई जरूरी पॉइंट है, क्या इसको पढ़ने से क्या हमें कुछ हेल्प मिलने वाली है इसमें? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल हेल्प मिलने वाली है, और इतना प्यारा कंसेप्ट शुरू होने वाला है, इतना प्यारा कंसेप्ट शुरू होने वाला है कि आप खुद बोलेंगे कि सर मेरे को एक एक चीज क्लियर हो रही है, मुझे एक एक चीज क्लियर हो रही है। तो क्या चीज है वो, आइए देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, अपवर्तनांक के मतलब का दो मतलब निकाल देता हूं। अगर अपवर्तनांक, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है एक ऐसी डिजिट जो किसी भी एक ऐसी डिजिट, एक ऐसी संख्या जो डेंसर और रेयरर, सघन और विरल को कंपेयर करने में मदद करेगा, सघन और विरल, डेंसर और रेयरर को कंपेयर करने में मदद करेगा, ठीक है जी। अब जैसे मुझे पता है कि भाई जो सॉलिड चीज होगी वो डेंसर होगी, लेकिन जो ज्यादा सॉलिड होगी वो तो उससे भी ज्यादा डेंसर हो गई। और मैंने आपको कल ही बताया था कि भाई अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूं भाई वाटर, वाटर और आइस, तो ज्यादा डेंसर कौन है भैया? ये डेंसर है, ये रेयरर है, क्यों? क्योंकि ये कम सॉलिड है और ये ज्यादा सॉलिड है। लेकिन अगर मैं आइस और भाई किसकी, रूबी की बात करूंगा, तो अब ये डेंसर होते हुए भी रेयरर है और ये डेंसर और ये क्या बन गया भैया, रूबी क्या बन गया, डेंसर। जबकि दोनों के दोनों सॉलिड हैं, फिर भी ये रेयरर, फिर भी ये डेंसर, क्यों? क्योंकि इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, अपवर्तनांक में कुछ फर्क होगा। तो कहने का मतलब ये है कि डेंसर वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और रेयरर वो होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी दो चीजों का कंपेरिजन करोगे, किसी भी दो चीजों का कंपैरिजन करोगे, तो हमें यह चेक करना है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अगर कोई दो आपके पास कंपोनेंट है एक्स वाई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा निकल गया, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये ज्यादा डेंसर है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम निकल गया, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये रेयरर ज्यादा है। ये क्या ज्यादा है, रेयरर ज्यादा है, या रेयरर नहीं बोलना चाहते तो बोल दो कम डेंसर है। क्या है, कम डेंसर। ऑब्वियस सी बात है, जब कम डेंसर होगा तो दूसरी बात रेयरर ही ज्यादा होगा, दूसरी बात क्या होगी, रेयरर ही ज्यादा होगी। तो बस बच्चों यहां पे इतना सी बात समझनी है आपको कि बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही ये फैसला करके बताता है हमें कि कोई भी दो कंपोनेंट के बीच में कौन ज्यादा डेंसर है और कौन कम डेंसर है, यानी कौन रेयरर है कौन डेंसर है, इसके बारे में हमें कौन अच्छे से बता सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकता है। कौन बता सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको नोट करो, फिर मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल लाने वाला हूं, उससे फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नोट कर लिया होगा आपने ये, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसकी डेफिनेशन वगैरह सब लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, ए टू जेड सारी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। हाँ जी, अब ध्यान से देखना बच्चों, आपके सामने ए बी सी डी ई, ये पांच चीजें हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.003, इसका है 1.33, इसका है 1.5, इसका है 1.65, एक एफ और ले लेते हैं, इसका है 2.42, ठीक है। ये कौन है भाई, ये है कंपोनेंट्स, ठीक है, उत्पाद या कोई भी पदार्थ। ये कौन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। कह रहा है भाई कौन ज्यादा डेंसर है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है, रेयरर से डेंसर में लगाओ, किसमें लगाओ, रेयरर से डेंसर में लगाओ, ठीक है, ठीक। चलो भाई लगाते हैं। अब हमने क्या सीखा, जितनी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी उतना ही कम डेंसर होगा, और जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा डेंसर होगा। यही सीखा हमने, यही सीखा ना बच्चों हमने। मतलब कहने का यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसर,
अपवर्तनांक जो होता है वो सघनता के, किसके, सघनता के अनुकर्मानुपाती होता है, ठीक है, अनुकर्मानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो डेंसर बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो डेंसर घटेगा, तो बस यही पता लगाना है। तो सबसे कम किसका है, सी का है जी, सी से ज्यादा किसका है, ई का है, ई से ज्यादा किसका है, ए का है, ए से ज्यादा किसका है, जल्दी बताओ, डी का है, डी से ज्यादा किसका है, बी का है, और बी से ज्यादा किसका है, एफ का है, ठीक है। तो सी का था 1, इसका था 1.003, इसका 1.33, इसका 1.5, इसका 1.65 और इसका 2.42, ठीक है बच्चों। इस दुनिया में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, जो होता है वैक्यूम का, किसका होता है, वैक्यूम का, निर्वात का, यह होता है वाटर का, जल का, यह होता है, नहीं नहीं यह होता है एयर का, सॉरी गलत लेवल दे, एयर हवा का, ठीक है, यह होता है पानी का, वाटर का, ठीक है, जल का, यह होता है ग्लास स्लैब, कांच के गुट्टक का, यह होता है रूबी का, और इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, ठीक है, ये लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दुनिया का, सबसे कम, और ये हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि है डायमंड का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, हीरा, ठीक है, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है जी। तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है 2.42, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का है, कितना, 1, कितना है, 1, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, ठीक, और एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हाँ जी बच्चों, तो हम लोगों ने आज ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें भी कुछ बातें और जाननी हमें, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको प्रॉपर तरीके से खत्म कराऊंगा और इसके बारे में कुछ नई जानकारी भी बताऊंगा, ठीक है। आज मुझे सिर्फ इतना बताना था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के आपको ये पहचानना आ जाए कि कौन रेरर होता है, कौन डेंसर होता है, कौन विरल होता है, कौन सघन होता है, ये आपने पता लगा लिया। और मैंने कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको याद करवाए हैं, जिसमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट याद करने के लिए बोला है मैंने, वैक्यूम लोएस्ट, हाईएस्ट डायमंड, बाकी 5 आपकी मर्जी, याद करना है ठीक है, वरना आपकी मर्जी, करना है करो, नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 तो भैया करने ही पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, इसको नोट कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको प्रॉपर तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को खत्म करा दूंगा और एक नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको खत्म कर लीजिए आप।